आज मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है ब्रिस्टल का अल्ट्रा स्मूथ पेपर, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो इससे पहले मैंने थोड़ा रफ पेपर मंगवाया था, तो उसमें क्या था कि जो शेड करते थे जब, तो थोड़ा सा रफ़ नज़र आता था। तो मुझे काफ़ी स्मूथ शेडिंग चाहिए थी, इसीलिए मैंने स्मूथ पेपर ऑर्डर किया है। तो देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। पर ये पैकिंग जो है ना, इसकी वजह से थोड़ा ये इधर से मुड़ गया है। ये आप देखो, ये इसे ठीक करना होगा। यार ये बहुत दर्द देता है, ये जब पेपर में अगर को थोड़ा सा फोल्ड हो जाए ना तो बहुत दर्द होता है। शायद आर्टिस्ट होंगे वो आप जानते होंगे कि जब ये फोल्ड होता है। ये देखो, इसे सही करना बहुत ज़रूरी है। चलो खोल के देखते हैं। ये काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा। ये इनकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, ये बीच बीच में ये फोल्ड हुआ पड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा तो आप देखिए। पर ये काफ़ी स्मूथ पेपर है, थिकनेस भी अच्छी है, बस पैकिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, ये थोड़ा फोल्ड हुआ पड़ा है। उसे ठीक करके ही हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। चलो इसे रख देते हैं, इसके ऊपर वेट रख देंगे और फिर ये शायद सही हो जाए। तो ये हमारा एक अच्छी क्वालिटी का पेपर है, जिस पे हम एक नेक्स्ट जो साइड में जो आर्ट है वो हम कंप्लीट करने के बाद इसमें हम स्केच ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो इसकी क्या क्वालिटी होगी वो सभी मैं आपको बता दूंगा, और आप स्केच की जो क्वालिटी देखकर ही आप पेज की क्वालिटी समझ जाओगे। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना।